कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी, जिसमें मैं आपको लोबिया को सिखाने लगी हूँ। लोबिया हमने काफ़ी देर से, काफ़ी घंटों से भिगो के रखा हुआ है। 2 कप, 1/2 kg मैंने मटन लिया है सर, 1 प्याली, 2 मैंने चॉप किया हुआ टमाटर इस्तेमाल, ये मसाला यूज़ होगा, नमक, हल्दी, और लाल मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भी। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अनियंस डाले हैं, इनको हम सौते कर रहे हैं और ये हम कुकर में बनाएंगे। अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून डालने लगे हूँ, ये हमने ग्रेट किया हुआ है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन को अब मैं थोड़ा सा कर दूँगी गोल्डन। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ जो है टमाटर डाल लेते हैं, तकरीबन हमने 2 लिए थे भिड़े। मसाला डालूंगी 2 में स्पून टेंडर साइज जो होते हैं मिर्चों के, 2 ही नमक और इतना मैं हल्दी पाउडर इसमें डाल दूँगी। 1/2 मैंने क्रश किया हुआ घर का सूखा धनिया, 1/2 चम्मच पिसा हुआ, 1/2 चम्मच मैं डिश में सर्विंग करते हुए डालूंगी, 1/2 टी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी, 5 मिनट मैंने ये टमाटर के साथ मसाले को भुना, अब ये हम गोश्त डाल रहे हैं, गोश्त भुनेंगे। इसको मैंने भून लिया और इस पर मैं इतना तकरीबन पानी डाल रही हूँ ये देख, और कुकर को मैं बंद कर दूँगी। हाँ, आप इतना पानी डालें जितना कि आपके कुकर में डूब जाए। मैंने बड़ा कुकर यूज़ किया और अब मैं इसको बंद कर दूँगी और 1/2 टर्न कर लूँगी, देन फिर मैं लोबिया ऐड करूँगी इसके अंदर। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये लोबिया डालूँगी, 1/2 टर्न कर लिया हमने, अब इसके अंदर हम लोबिया डाल के कुकर फिर से बंद कर, जिस पर मैंने लोबिया डाल दिया मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और कुकर को बंद कर दूँगी। हो चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं दही डालूँगी, फेंटी भी ऑलरेडी, और इसके पानी को हम ड्राई होने तक पकाएं। हमारा लोबिया गोश्त रेडी हो चुका है, मैं इसको एक वैसे ही तड़का देती हूँ, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं और ज़रूरी नहीं है। मैंने ऑयल में ज़ीरा और ये लाल मिर्च डाले, इससे ये होता है कि एक तो टेस्ट और डेवलप हो जाता है और इसकी शक्ल और भी मतलब खूबसूरत लगती है। ये ऑप्शनल है, ये मैं करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप करें। हम इसको सर्व करके आपको दें, तड़के के बाद ये ऐसा हो गया। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी डिश के अंदर। ये हमारा लोबिया रेडी हो चुका है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको जो बहुत ही फास्ट कुकर में आपने बना ली, कुछ ही मैक्सिमम 20-30 मिनट्स के अंदर आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।